तहसील से ग्रामीण पहुंचे अपनी समस्या लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव सांवरा पहाड़, खेजरा बाबा, खेजरा चक, मोड़का, कनेरा, कनारी, बीलाखेड़ी, मुंद्रादी गांव में विद्युत प्रदाय बंद हो गया है, जिसका कारण इन ग्रामीणों ने बताया कि किसी ने उनके क्षेत्र में विद्युत प्रदाय करने वाले खंभों को ही तोड़ दिया है। अब ये ग्रामीण इतना परेशान हो गए हैं कि इन्हें पीने के पानी के लिए तक मोहताज होना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर के पास ये लोग इसकी शिकायत लेकर पहुंचे थे कि जल्द से जल्द उनके गाँव में लाइट दोबारा चालू करवा दी जाए। सूत्रों की माने तो कल सुबह पारधी समुदाय के लोगों द्वारा फिटर पर काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के बाद कुछ लोगों ने मिलकर रात के समय ये खंभे तोड़ दिए थे। अब देखने लायक होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से इस मामले की जांच करता है और क्या उन दोषियों को सजा दिलवा पाएगा जिन्होंने ये खंभे तोड़कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। ज्ञापन को मामला क्या है कि ये मुरादपुर हमारा फिल्टर है, इसमें कि सावरा, खेजरा बाबा, आमखेड़ा चक, खेजरा चक, कनेरा, कनारी, मुंडरा, मोड़का, ये यहाँ की लाइट आ रही है। तो कुछ विवाद हो गया था फिल्टर पे, तो किसी ने किसी को मारपीट की या गांव वालों ने कुछ भी किया तो वो पोल वगैरह टूट दी पूरे 5-6। तो ये लाइट यहाँ बिल्कुल ही मतलब 7-8 गांव की लाइट बिल्कुल बंद है। ये कनेरा कनारी में तो स्थिति है सर, कुआ नहीं है, पीने के पानी की भी दिक्कत है। यदि 2 दिन आजकल में लाइट नहीं आई तो ढोर भैंस आदमी को पीने वाली बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हम तो वही निवेदन करने आए थे सर, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सब इंजीनियर वगैरह, कोई सुपरवाइजर वगैरह वहाँ तो कोई मिला नहीं। कल विवाद हुआ है, कल टोड़ा हमने। कहाँ से आए हैं आप? ये हम तो ये पूरे मोड़का, खेजरा, आमखेड़ा।